हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं अब, मिस्टर राव मिस्टर श्रीनिवास जुड़ रहे हैं हमारे साथ ये बात करने के लिए कि यहाँ से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बाजार की नजर आएगी। श्रीनिवास बहुत बहुत शुक्रिया। ये व्यू आ रहा है बनके कि ये जो लेग ऑफ द रैली है ये लार्ज कैप लेड थी, ऑब्वियसली FIIs की सेलिंग रुक गई, FIIs वापस आ गए, बाइंग हो गई और ग्लोबली जो हुआ वो तुमने देखा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन वैल्यूएशंस की बात करें तो क्या एक सेंस आ रहा है आपका कि मिड कैप स्मॉल कैप रिलेटिव आउट अंडर परफॉर्मेंस के बाद लार्ज कैप से कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए अब, या अभी कह नहीं सकते? श्रीनिवास आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज अनम्यूट करें। अभी भी नहीं आ रही है, टेक्निकल चैलेंज। ओके डॉक्टर साहब आप एक काम करिए, आप ऑडियो चेक वापस से एक बार ठीक से कर लीजिए। ये SIP के डेटा हमारे डॉक्टर साहब ने निकाल के रखे थे, लेकिन हम ऑडियो ठीक करके वापस आते हैं। सर मैं आपसे मिड कैप स्मॉल कैप वैल्यूएशन के पॉकेट की वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा था, आपका क्या व्यू है? हाँ अजय जी नमस्कार। मार्केट हैज टेकन सम करेक्शन और ये लास्ट 3-4 हफ्ते में अपन वापस देख रहे कि रिकवरी आई है जी। तो साथ में अपन ये भी देख रहे हैं कि FIIs जो नेगेटिव हो गए थे फिर लास्ट 4 हफ्ते से कंटिन्यूस बायर हो गए, तो ये शुरुआत में ऐसा होता है कि लार्ज कैप ज्यादा चलेंगे जब भी ओवरऑल मोमेंटम अच्छा हो गई है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, उसके बाद में अपन देखते हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप में एक्चुअली एक्शन ज्यादा होता है। सो आई थिंक वी आर स्टिल एट द अर्ली स्टेज ये फेस में। इकोनॉमी का डेटा भी ठीक आ रहा है और अभी कंपनी का रिजल्ट्स जो आया है वो भी ठीक ठाक है, तो वो हिसाब से आई थिंक ये मोमेंटम और थोड़ा कंटिन्यू करेगा अपना, स्मॉल एंड मिड कैप में एक्शन बढ़ेगी, टिल देन फोकस इज मोर ऑन लार्ज कैप। बाजार का नैरेटिव कैसे बदला है? ये जो CPI का डेटा आया है एक सरप्राइज रैली तो US में दिखी, यहाँ बाजार हमारा पहले ही आउट परफॉर्म कर रहा था US को, लेकिन अभी हमारा भी CPI डेटा ड्यू है, RBI गवर्नर कह रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ 7% के नीचे इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो नेक्स्ट 6 से 8 महीने एक साल बाजार का नैरेटिव जो मैक्रो वरी रिलेटेड था वो इज आउट हो रहा है, वो फ्यूल, ये बात फ्यूल करेगा क्या बाजार के मोमेंटम को, कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, उसके साथ में कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी सपोर्ट चाहिए, तो अब लोगों को मालूम था कि ये अभी क्वार्टर जो खत्म हो रहा है रिजल्ट अभी आ रहे कल लास्ट डे है रिजल्ट्स के लिए, वहां पे रिजल्ट ठीक ठाक है, बट मोर इंटरेस्टिंग क्वार्टर वुड बी ये दिसंबर क्वार्टर है जे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन भी जुड़ा हुआ था सेकंड क्वार्टर में, ये थर्ड क्वार्टर में जो अभी चल रहा है इसमें ये डिमांड सस्टेन होगा नहीं होगा विल बी ए क्रूशियल क्वेश्चन। अब देखेंगे रिजल्ट्स में भी एवरीथिंग वाज नॉट ग्रेट, काफी कंपनीज में डिमांड भी काफी वीक थी, कंज्यूमर कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ काफी म्यूटेड थी और बाकी कंपनीज में मार्जिन में भी काफी प्रेशर आया है, तो ये क्वार्टर वुड बी वेरी क्रूशियल टू सी कि मोमेंटम अभी भी ठीक है या थोड़ा स्लो होने वाला है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स चाहिए, उसके साथ में मैक्रो में जो भी इंटरेस्ट रेट जो भी है 7.5% के आसपास है, तो बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया का पीक वहां पे ही आ जाएगा, सो वो पीक पे पहुंच गए, इन्फ्लेशन ऑल्सो जो बेस इफेक्ट आ गया है तो वो हिसाब अगले 2-3 महीने से अपने को इन्फ्लेशन ऑल्सो विल स्टी कमिंग डाउन, तो इन्फ्लेशन अपनी तरफ है, नंबर भी है, तो मोमेंटम विल डेफिनेटली रिमेन पॉजिटिव। ऑल्सो मार्केट अजय जी इज नॉट अबाउट पास्ट, मार्केट इज लुकिंग एट फ्यूचर, जैसे ये इन्फ्लेशन अपने लग रहा है कि इट इज ऑलरेडी देर इन द प्राइस, सो ऑटोमेटिकली मार्केट विल ट्राई टू सी नेक्स्ट 3-6 महीने क्या हो रहा है एंड ट्राई टू बिल्ड इन into the prices and that's why we are seeing a positive momentum market. आप फार्मास्यूटिकल्स पे शायद पॉजिटिव हैं, मैं वजह जान सकता हूँ आप फार्मास्यूटिकल्स पे पॉजिटिव क्यों हैं? ये ट्रस्ट नहीं दिलवा पा रहा है सर इस सेगमेंट पूरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैल्यू बाय हो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये ट्रस्ट नहीं दिलवा पा रहा है, ये चलता है अगले दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है पूरा सेक्टर धराशायी हो जाता है, तो आपके मैं रीजन जानना चाहता हूँ आप इस पे बुलिश क्यों है फार्मास्यूटिकल्स पे? बिल्कुल आपकी बात सही है, फार्मा आई थिंक जब भी अपना क्राइसिस आया था फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड क्राइसिस में फार्मा एकदम टॉप परफॉर्मर था, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे, बट उसके बाद में अभी अपन जो रिजल्ट्स देख रहे हैं कंपनी के फार्मा कंपनी के रिजल्ट देख रहे हैं कि वहां पे
प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाएगा तो क्लोज टू 10% है, नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट। वो इस वजह से कि ये बेस इफेक्ट, कोविड का बेस इफेक्ट लास्ट ईयर के नंबर्स में उसके सामने थोड़ा ग्रोथ कम हुआ है, बट हमें लगता है कि ये टेम्पररी फेस है। फार्मा कंपनीज के लिए ब्रॉडली तीन ड्राइवर्स है। एक तो डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ इज वेरी वेरी बिग, कोविड के कारण हेल्थ के ऊपर सब लोगों का फोकस बढ़ गया है, तो पीपल विल स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर, तो दैट इटसेल्फ इज पॉजिटिव फॉर इंडिया। दूसरी बात है ग्लोबल मार्केट्स में वी हैव बिकम ए सप्लायर ऑफ जेनरिक्स। इंडिया इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर इज ऑलरेडी वेरी वेरी हाई इन ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये इसीलिए है कि हम लो कॉस्ट में ड्रग सप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तीसरी बात है कि जैसा ये लो कॉस्ट अपन मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश कर दिया है, वो लेके इंडियन कंपनीज अभी यूएस में जाके खुद के ब्रांड में भी ड्रग्स बनाना और बेचना स्टार्ट कर दिया है, एंड गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। तो ये तीनों वजह से हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर विल कंटिन्यू एट ए रीजनेबल ग्रोथ फॉर नॉट फॉर नेक्स्ट 1-2 ईयर बट नेक्स्ट 5-8 ईयर्स। तो व्हेन ये स्ट्रक्चरली ग्रोथ ड्राइवर्स आर इन प्लेस एंड वैल्यूएशन देखा जाएगा तो दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर आई विल नॉट से दे आर चीप, बट महंगा भी नहीं है, तो वो हिसाब से फार्मा हमें अच्छा लगता है। मॉर्निंग श्रीनिवास, प्रियंका यार, आप सेक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, फार्मा को आपने भी डिस्कस किया, एक और स्पेस पे आपका व्यू चाहेंगे, वो है एफएमसीजी। जिस तरह के नंबर्स आए एफएमसीजी में, आप कमेंट्री देखें चाहे एचयूएल की बात हो, वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है रूरल एरियाज पे। ब्रिटानिया के नंबर्स आए, उन्हें किसी तरह का स्लो डाउन नहीं दिखता, तो कमोडिटी प्राइजेस को लेकर के आगे फर्दर किस तरह की मार्जिन रह सकता है या ईज आउट पूरी तरह हो पाएगा या नहीं, इस पर तो बहुत क्लैरिटी, बहुत ही डिवाइडेड सा व्यू दिखा, लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली दिखी कि जिन भी कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होगी वो जरूर फाइट ओवर कर लेंगे इस इन्फ्लेशन को। पतंजलि फूड के आप नंबर्स में भी देखें वो क्लियरली आपको दिखता है, क्योंकि प्राइसिंग प्राइस हाइक्स पास नहीं किए उन्होंने कस्टमर्स को। इसे किस तरह से इस पूरे स्पेस को अप्रोच करना चाहिए? बिल्कुल, एक तो एफएमसीजी स्पेस हमें लगता है कि इज अ ग्रेट सेक्टर टू बी इन, क्योंकि यहां पे जिसका भी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है उनका पास प्राइसिंग पावर रहेगा तो कंपनीज ठीक करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। बट ये क्वार्टर रिजल्ट्स में भी देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ एक्चुअली काफी कम हो गई है, सो वो बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। तो एक तरफ वॉल्यूम ग्रोथ कम हो गई, दूसरी तरफ मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आ गया है, और तीसरी तरफ स्टॉक प्राइसेस देखेंगे उनका वैल्यूएशन, लेट्स से प्राइस टू अर्निंग अपन इज एन कॉमन मेट्रिक टू लुक एट वैल्यूएशन, ये सारे कंपनीज 50 PE के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से काफी महंगा है। तो महंगा तभी चलेगा जब भी ग्रोथ अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है मतलब प्रॉफिट ग्रोथ लेट से 25% है तो आप 50 PE भी दे सकते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ ग्रोथ कम है और प्राइस ज्यादा है, इट इज डेफिनेटली अ वरी, एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोग ये सेक्टर में अंडर वेट है। तो ग्रोथ चाहिए हमें तो ठीक है, ग्रोथ भी कम है और वैल्यूएशन महंगा है, तो वो सेक्टर से थोड़ा केयरफुल रहना अच्छा है सबके लिए। बस आपको सीमेंट में क्या व्यू बन के आ रहा है, क्योंकि सीमेंट में कुछ बातें ऐसी हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा नई सप्लाईज तो नहीं आई हैं, राइट, गवर्नमेंट का कैपेक्स पुश एक तरफ, प्राइवेट रियल एस्टेट सेक्टर का वॉल्यूम ग्रोथ वापस आना इंश्योर कर रही है कि वॉल्यूम्स हेल्दी रहे, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी भाग गए थे कंसोलिडेशन के चलते और दूसरे रीजन्स के, तो यहाँ पे एक पॉकेट है कि मिड टीयर कंपनीज फेयर वैल्यू टू अट्रैक्टिव है, लेकिन लार्ज सीमेंट कंपनी बहुत सस्ती नहीं है। आप इस स्पेस को कैसे खेल रहे हैं, सेलेक्टिवली या अवॉइड कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं इसको? अजय जी बिल्कुल सही है, सीमेंट टॉप डाउन अप्रोच में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इंफ्रा स्पेंडिंग इंडिया में जो हो रहा, हाउसिंग स्पेंडिंग जो हो रहा, उनके लिए एक कंपनीज के लिए अच्छा होगा। लेकिन विद इन दैट एक तो कंसोलिडेशन हो रहा वो अच्छी है, बड़े कंपनीज के लिए तो और भी अच्छी है। लेकिन ये सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स जो अभी आए हैं आप देखेंगे तो सीमेंट कंपनीज के एवरेज प्रॉफिट डिक्लाइन इज 50%, तो काफी प्रॉफिट में प्रेशर है, क्योंकि इनके जो इनपुट प्राइसेस है, सीमेंट प्राइसेस हो, कोल प्राइसेस हो, इनके इनपुट प्राइसेस का काफी प्रेशर है, लॉजिस्टिक्स में भी, उस कारण के लिए प्रॉफिट मार्जिन में काफी प्रेशर आई है। और अभी अपने को वॉल्यूम ग्रोथ अभी दिखना चाहिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक भी एक बार बारिश चालू था तो डिमांड ऑटोमेटिकली भी हो गया, तो वॉल्यूम वीक था, तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोड़ा प्राइसिंग भी थोड़ा इम्प्रूव होगा, सो वो एक्सपेक्टेशन से सीमेंट अच्छा लगता है कि मुझे। बट लार्ज कैप कंपनीज में
ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप मिड और स्मॉल में खेल रहे हैं तो वहां पे वैल्यूएशन शुड बी कम्प्लीटली इन योर फेवर, एंड ऑल्सो देर शुड बी वन मोर ट्रिगर वाई ये मिड एंड स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी में खरीद रहे हैं आप। नहीं तो सीमेंट कंपनी आप देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनीज एक वैल्यूएशन होता है कि ईवी पर टन, तो वो ऑलवेज 120 140 डॉलर पे ट्रेड किए, लेकिन काफी सारे स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज 40 से 60 डॉलर पे ट्रेड किए। तो वो ये वैल्यूएशन ट्रेड चेंज होने के लिए एक ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर नहीं है तो आई डोंट थिंक दे विल मूव अप इन ए हरी, तो वो भी एक देखना बहुत जरूरी है। ठीक है मिस्टर राव, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि एफएमसीजी पे और आपका जो व्यू पॉइंट है थोड़ा बीरिश है, आप उसको वैल्यूएशन पे उतना ठीक नहीं समझते, ऐसे कौन से और सेगमेंट है जब हम बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, निफ्टी के साल के हाई पे चल रहे हो, तो वहाँ से हमको प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए? ऐसे सेगमेंट भी होंगे ना जहाँ पर आप कॉशियस का या फिर लाल बत्ती जगी होगी कि हाँ अब तो बहुत हो गया जब बाहर निकलो? नहीं देखिए, मेटल्स इज वन सेक्टर दैट वी आर कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी नीचे आए हैं, लेकिन मेटल्स आर डिपेंडेंट ग्लोबल फैक्टर्स, ये रिसेशन तो लग रहा है कि आने ही वाला है ग्लोबली, तो वो हिसाब से डिमांड में प्रेशर आएगा। चाइना का इश्यूज है, तो वो माहौल में मेटल प्राइसेस सेलिंग प्राइस ये कंपनी डिसाइड नहीं कर पाती है, इनके हाथ में सिर्फ उनके इनके प्रोसेसिंग पे है ना, इनपुट प्राइसेस पे उनका कंट्रोल है ना उनका सेलिंग प्राइस पे कंट्रोल है। तो ग्लोबली अगर रिसेशन है तो इनके मार्जिन्स में और भी प्रेशर आ सकता है, सो इसीलिए हम वो सेक्टर क्लियरली अवॉइड कर रहे हैं। तो आप और कौन से आपको थीम्स बड़ी पसंद आ रही हैं श्रीनिवास? कई सारे सेक्टर्स पे आपसे एक्सटेंसिवली डिस्कशन हुई, लेकिन जो प्रेफर्ड थीम्स रहेंगी आपकी वो क्या रहेंगी? हमारा फिलहाल द नंबर वन थीम है फाइनेंशियलाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर हमें लगता है कि बहुत अच्छा करेगा। नंबर टू थीम है हमारा कैपिटल कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन रिवाइवल पाथ, कंपनी स्टिक कर रही है, उसके साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है इन टर्म्स ऑफ पीएलआई एक्सेट्रा, तो ये थीम भी बढ़िया करेगा। तीसरा थीम है फार्मा, अपन वो ऑलरेडी बात कर चुके, सो ब्रॉडली हमें ये थ्री थीम्स अच्छे लगते हैं। श्रीनिवास बाबा शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और अगली बार हम आपसे कैपिटल गुड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। वहाँ पे क्या हुआ कि लार्ज कैप स्टॉक तो चल गए, मिड टीयर और एंसिलरीज पे लोगों की रिसर्च बहुत जारी है, इसलिए बहुत क्यूरोसिटी है कि कैसे खेलना चाहिए। बट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।